तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और काफी अच्छे आपकी ट्रेडिंग चल रही होगी। कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था कि मैं किस पे वीडियो बनाऊँ, तो उसमें से काफी सारे लोगों ने बोला था फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर बनाओ, और लगभग लगभग हर चीज पे मेरे को 40-35% आया था तीनों ऑप्शन पे। तो तीनों वीडियो मैं डालूंगा एक एक करके। तो आज का जो पहला वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये दो वीडियो का कंबाइंड है। एक आप ट्रेडिंग से कैसे पैसे कमा सकते हो उसके ऊपर भी है, और दूसरा आप ट्रेडिंग कैसे करोगे और कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे स्टार्टिंग में जब आप बिगनर हो, वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो चालू करते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लर्निंग वीडियो लगातार अभी यहाँ पे आने वाली है। और साथ ही साथ में आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं किया तो वीडियो के नीचे आपको लिंक दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं जाके फॉलो कर लो। ठीक है, चलो चालू करते हैं आज की हमारी क्लास। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये जो स्ट्रेटजी, अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको स्टार्ट जो करना है स्टॉक ट्रेडिंग से करना है आपको। यानी आपको डायरेक्ट शेयर्स में जंप इन नहीं करना है कि डायरेक्ट आप शेयर में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दोगे, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको। तो आपको क्या करना है, सॉरी आपको डायरेक्ट ऑप्शन में जंप नहीं करना है, आपको शेयर से स्टार्ट करना है। थोड़ी जबान फिसल गई, सॉरी। तो मैं आपको ये जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये है स्टॉक्स की स्ट्रेटजी। ठीक है, और इसके लिए आपको वॉच लिस्ट जो चाहिए वो भी मैं आपको वॉच लिस्ट देने वाला हूँ। तो वॉच लिस्ट जो है मैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डाल दूंगा, तो इंस्टाग्राम पे जाके आप वो वॉच लिस्ट चेक कर लेना, और अगर आपको नहीं मिलती है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा वो वॉच लिस्ट। ओके, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी बिना किसी देरी के लिए। बहुत टाइम पास हो गया, बहुत प्रमोशन हो गया, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ये स्ट्रेटजी आपको स्टॉक्स में यूज करनी है, निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं करनी है। कैसे करनी है, निफ्टी बैंक निफ्टी में कब करनी है, वो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। ये वाले वीडियो में मैं आपको सिर्फ स्टॉक के लिए बता रहा हूँ, तो आप कोई भी स्टॉक उठा सकते हो, पर कोशिश करना कि स्टॉक का जो प्राइस रहे वो 400 रुपए से ऊपर रहे। तो आप साथ ही साथ में ये सब चीजें लिखते रहो कि आपको किस चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, स्टॉक प्राइस जो है 400 रुपीज से ऊपर हो। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है यार, चलो 400 रुपीज से ऊपर रहे स्टॉक का प्राइस, ये याद रखना है आपको। सस्ते स्टॉक में ज्यादा क्वांटिटी लेने के चक्कर में आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रूल्स बता देता हूँ स्ट्रेटजी के। आपको सबसे पहले चार्ट को देखना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को देख रहा हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो छोटे में बता देता हूँ। यहाँ पे एक कैंडल हमें जो दिख रही है वो 5 मिनट में प्राइस ने क्या मोमेंटम किया है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ठीक है चलो चालू करते फिर। ये देखो यहाँ पे क्या है, एक फिफ्टी पहले जो 5 मिनट की कैंडल है ओपनिंग की, यानी 9:15 वाली कैंडल, आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका हाई और लो मार्क करना है। क्या करना है आपको, वो कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, बिगनर्स के लिए तो काफी अच्छी स्ट्रेटजी है मैं कहूंगा। देखो इसका हाई ये है कैंडल का। अब अगर आपको कैंडल का हाई लो नहीं समझता है तो आप मेरा जो बिगनर का वीडियो है जो पहले मैंने डाला था वो जाके देख के आओ, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कैंडल का हाई लो क्या होता है। ठीक है, तो ये कैंडल है, इसका हमने हाई भी मार्क कर लिया, लो भी मार्क कर लिया। अब आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, रोबोट जैसे काम करना है। जिस साइड में भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है, चाहे ऊपर की तरफ दे या नीचे की तरफ दे, आपको क्या करना है, अगर ऊपर की तरफ ये लाइन को जैसे ब्रेक किया तो आपको बाय करना है, नीचे की तरफ ब्रेक किया तो आपको सिंपली सेल करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपके फेवरेट स्टॉक में अप्लाई करो, बस ट्राई करना कि स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम रहे। ठीक है, तब जाके आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ये स्ट्रेटजी अगर आप यूज करते हो तो आराम से 10,000 रुपीज, 5,000 रुपीज यूज करके आप दिन से 400-500 रुपए कमा सकते हो दिन के। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जिसको नहीं कूदना उसके लिए तो बहुत अच्छा है, बाकी ऑप्शन जिसको करना है उनको ऑल द बेस्ट, जो स्टार्टिंग में ही करने जा रहे हैं ऑप्शन, ऑल द बेस्ट आप सबको। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्या करना है, सिंपल सा वॉच करना है कि मार्केट पहले ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है। और एक बात आपको बताता हूँ, जिस भी दिन स्टॉक गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन यानी क्या होता है, मार्केट जहां पिछले दिन क्लोज हुआ था 3:30 बजे उसके नीचे ओपन होता है, गैप डाउन से मतलब है 5-6 रुपए का गैप डाउन हो स्टॉक। ठीक है, या फिर 5-6 रुपए का गैप अप हो, उस दिन ये स्ट्रेटजी सबसे अच्छे तरीके से काम करती है। ये देखो यहाँ पे इस दिन क्या हुआ, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद मार्केट ने जब ये ब्रेकआउट दिया तो ऊपर की तरफ अच्छा खासा मार्केट गया है। अब इसमें टारगेट कितना लगाना है, स्टॉप लॉस कितना लगाना है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। क्यों आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में क्या है ना, रिस्क कैपिटाइट सबका अलग अलग रहता है। मैं तो आपको बोल दूं कि आप मेरे हिसाब से कि आप इसका स्टॉप लॉस रख लो और टारगेट आपको जो लेना है ले लो ट्रेलिंग करते हुए। ठीक है, पर वो मेरा रिस्क कैपिटाइट हो गया, आपका रिस्क हो सकता है शायद आप 200-300 रुपए से ज्यादा रिस्क ना ले पाओ, तो आप यहीं पे कहीं पे एसएल रख दो आपका, या फिर यहीं पे कहीं पे एसएल रख दो, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ आपको एसएल कहाँ रखना है, और टारगेट भी आपको कहाँ बुक करना है वो आपके ऊपर रखता हूँ। ठीक है, वो आप अपने रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से, आप जितना होल्ड कर सकते हो उसके हिसाब से आप डिफाइन कर लेना। तो
ये एक एग्जांपल हो गया, इसमें हमने देखा यहाँ पे ब्रेकआउट पे अगर आप बाय करते तो आपको अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिल गया स्टॉक में, ठीक है। तो ये तो जिन जाने दो, चलो यहाँ पे काम की है स्ट्रेटर्जी, मैं थोड़ा और पीछे लेके चलता हूँ आपको, और हम पीछे भी जाके देखते हैं। मैं ज्यादा बैक टेस्ट नहीं करूंगा, 2-4 दिन का दिखाऊंगा आपको, फिर आप खुद बैक टेस्ट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये है 915 की कैंडल, 915 की कैंडल है ये, इसका मैं हाई और लो मार्क कर लूंगा। ये है इसका हाई, हाई पॉइंट है इसका, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, ओपन हुआ नीचे, ओपन हुआ ऊपर आया, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ और ऊपर आया प्राइस। उसके बाद क्या किया प्राइस ने, यहाँ पे आया ऊपर ऊपर रहा और उसके बाद नीचे आना शुरू किया। आपका ट्रेड का एक्टिवेट होगा, आपका ट्रेड कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्टिवेट होगा। और जो लोग थोड़ा सा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जानते हैं, जो क्लोजिंग का वेट करते हैं कैंडल की, उनकी एंट्री कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी। तो आपकी एंट्री यहाँ पे भी हुई हो, यहाँ पे भी हुई हो, इतना छोटा एसएल तो कोई भी रखेगा नहीं, ठीक है। तो आपको इसमें टारगेट अच्छा खासा इसमें भी मिला है। तो हमने 2 दिन देखे, 2 दिन स्ट्रेटजी काम की है। मैं बताता हूँ, इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी जो है 80% है, जो इसको प्रॉपरली यूज करेगा, थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाएगा, उसके लिए 80% की एक्यूरेसी ये स्ट्रेटजी देने वाली है, ठीक है। ऑल राइट, 2 दिन हमने देखा, 2 दिन स्ट्रेटजी काम करके, अभी और पीछे जाते हैं। ओहो, ये देखो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था, बराबर है। अब इस दिन क्या हुआ, हाई मार्क कर लिया हमने, लो मार्क कर लिया हमने। इस दिन क्या हुआ, प्राइस ने आया ऊपर के साइड, ब्रेकआउट दिया पर सस्टेन नहीं किया, ऊपर कैंडल क्लोज नहीं किए। पर जो लोग घाई गड़बड़ी में एंट्री करते हैं, मैं समझ लेता हूँ, इसमें स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। एक दिन हमारा स्टॉप लॉस चला गया। तो मैंने आपको बोला, कोई भी स्ट्रेटजी 100% सही नहीं रहती, 80% एक्यूरेसी अगर आपको कोई स्ट्रेटजी दे रही है तो वो स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। उसके अलावा 915, ये है हमारी 915 की कैंडल, इसका मैं हाई मार्क कर लेता हूँ 915 की कैंडल का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, लो ब्रेकआउट हुआ है, बराबर है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आपका ट्रेड सही गया होगा। देखो अभी मैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलूंगा सही गया, बाकी अभी मैं किसी को बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, जान दूं तो मैं बोलूंगा नहीं चिल्ला चिल्ला के। आपने अभी आपके आंखों के सामने मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, मैं ज्यादा बैक टेस्टिंग पे भरोसा करता नहीं हूँ, मैं लाइव मार्केट में ट्राई करने पर भरोसा करता हूँ, आपको पता है। आप सिर्फ वॉच करो 1 महीना स्ट्रेटजी को, आपको अच्छी लगे तो यूज करो, इट्स अप टू यू। मैं तो एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो गलतियां मैंने स्टार्ट में की आप ना करो, कुछ सीखो तो आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमने 4 दिन ट्राई किया, 4 में से 3 दिन काम किया, 1 दिन काम नहीं किया स्ट्रेटजी ने, ठीक है। तो अभी एक लास्ट दिन देख लेते हैं, यानी फिर हमारे को एक्यूरेसी पता चलेगी। ये है अलर्ट जी, डे हाई और डे लो मार्क कर लिया हमने। और इस दिन अगर आप देखो, डे हाई का ब्रेकआउट हुआ और काफी अच्छे तरीके से स्टॉक ऊपर गया है, अराउंड अराउंड 10 रुपीज का मूव मिल रहा है, और 10 रुपीज का मूव स्टॉक में कम नहीं होता है। तो अभी हमने क्या देखा, स्ट्रेटजी अगर हम लोगों ने 5 डेज यूज किए, स्ट्रेटजी को अगर हमने 5 डेज यूज किया है, तो उसमें से हमारा क्या हुआ है, 4 बार टारगेट आया, 4 बार और 1 बार हमारा एसएल आया। तो अराउंड अराउंड अभी के हिसाब से तो 80% की एक्यूरेसी है स्ट्रेटजी की, ठीक है। 80% की एक्यूरेसी में भी अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, तो शायद से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो गलत है, तो उस पर आपको काम करने की जरूरत है, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैसे मैनेज करना है तो मुझे कमेंट में बताओ, उसके ऊपर भी एक वीडियो ला देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बिगनर हो और आप वो भी सीख लेते हो पहले, तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, आपकी जर्नी स्मूथली जाएगी। बाकी मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई भी हेल्प लगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। और हाँ, जिसको पूरा बेसिक से एडवांस तक सीखना है, तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर की लिंक मिलेगी आपको, वहाँ पे मुझे मैसेज करो, मैं आपको बेसिक टू एडवांस कैसे सीखना है उसमें हेल्प कर दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन हाई रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।